नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैमले। अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ पे TCS लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पे अभी बहुत 480 रुपये अभी स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा वीकनेस स्टॉक में आ गई है, थोड़ा सा वीकनेस जो कि काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिली है। आप देख सकते हैं इसकी लिस्टिंग डेट, देख सकते हैं ये FMG में आता है, यहाँ पे इसका पी देखिए 5500 में आता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ दिनों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाई और लो, एक दिन का अगर रिटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पे माइनस में दिखाई देगा, एक वीक का भी आपको रिटर्न माइनस में दिखाई देगा, यहाँ पे एक मंथ का भी रिटर्न आपको यहाँ पे माइनस में दिखाई देगा। लेकिन लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, एक साल का रिटर्न आपको यहाँ पे 22 के करीब दिखाई देगा। तो 22 के करीब एक साल का रिटर्न मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। 5 साल का रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन 1 साल का बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न सभी की बात करें तो अच्छी बात है। चलिए प्रॉफिट के बारे की बात, प्रॉफिट तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होगा, इसका कोई बहुत देखने वाली बात नहीं होगी इसमें। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट के मामले में कंपनी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल हम कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी है। फंडामेंटल यही होता है कि कच्चे की चाल चलते हैं और जो रिटर्न लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए चार्ट भी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर आप चार्ट की बात करें तो थोड़ा सा ये फेस देखेंगे, ये फेस देखेंगे और ये फेस देखेंगे, इसके बाद बात करेंगे तो एक इस तरीके से कुछ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एक जोन दिखाई दे रहा है हमें जो कि इसके जरिए हमें मिल जाता है। ये जोन यहाँ पे, इस जोन के अगर ये थोड़ा सा इसे हम इसमें थोड़ा सा डाले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं हम इस तरीके से। नहीं, ये फेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये फेस और ये ऊपरी लेवल का और ये नीचे लेवल का, क्या हमें ये फेस, यानी अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं कि 420 पे एक अच्छा रिकवरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था, यहाँ पे मिला था कुछ, यहाँ पे मिला था, बाकी छोटे छोटे आपको यहाँ पे लेकिन इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक लेवल थी जो कि 450 की थी, उसको तोड़ दिया है, ये नीचे आया है उसके। तो अभी किस तरीके से हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे आप इस तरीके से देखते हैं कि 420 का हम यहाँ पे निचली लेवल देखते हैं, 420 की लगभग हमें 420 तक थोड़ा सा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ख़रीदना है तो हम 420 का थोड़ा सा वेट करेंगे, या फिर हम 410 का भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेंज है, हमें एक रेंज मिल जाती है, ये जो जोन हमें मिल जाता है ये लगभग 420 के आसपास मिल जाता है, यानी कि 420 के आसपास यहाँ पे मिल जाता है ये रेंज। अगर ये रेंज आ गई थोड़ा सा इस पे आ गया और सपोर्ट ले लिया तो बहुत बढ़िया होगा, ये इस लेवल के आसपास, यानी कि 460 के बीच में से 450 के आसपास आपको ये दो लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है कि काफ़ी दिनों से अगर बात करें तो इस जोन के बाद यहाँ पे 460 के लेवल से ये नीचे आया, जब से आया तब से ये पूरी तरीके से इसमें एक ही आपको यहाँ पे एक कैंडल मिलेगी, वो रेड ग्रीन कैंडल होगी, तब से यहाँ पे नीचे ही गया, लगभग 8-10 दिनों से थोड़ा सा नीचे गया। अगर मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो आपको बहुत अच्छा से दिखाई देगा कि यार किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस चल रहा है। तो क्या नीचे वाली लेवल पर आप देख सकते हैं कि जहाँ से इसने मूवमेंट की थी, नहीं क्या ये जो मूवमेंट थी इस तरीके से, नहीं क्या फिर इस तरीके से ये यहाँ पे गिरा, फिर थोड़ा सा फिर यहाँ पे गिरा, तो लगभग 3 महीने से यहाँ पे थोड़ा सा ये पोजीशन में है, इस पोजीशन पे आ चुका है। अब क्या 400 के भी आसपास आपको अगर मंथली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा लेवल दिखाई दे रही, तो हाँ हमें दिखाई दे रही है 400 के लेवल मंथली चार्ट के ऊपर, इसका भी आप वेट कर सकते हैं। नहीं तो काफ़ी दिनों से यहाँ से बहुत बढ़िया स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया था, लगभग 1 साल से बहुत बढ़िया से बढ़िया। यहाँ पे देख सकते ये दो कैंडल छोड़ने के बाद हर मंथ में ये ऊपर जा रहा था, हर मंथ में थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये मंथ और ये मंथ थोड़ा सा नीचे स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है। तो
और काफी दिनों से एक साइडवेज मार्केट चल रहा था उसका, काफी मंथ से हम कह सकते हैं कि ये साइडवेज मार्केट चल रहा था। यानी कि आप यहाँ पे ये फेस देखिए, नहीं क्या ये फेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इस फेस में काफी मंथ यहाँ पे साइडवेज मार्केट चल रहा था। उसके बाद एक अच्छा रिटर्न मिला, एक अच्छी मूवमेंट मिली, तो यहाँ पे लगभग कह सकते हैं कि काफी 1 साल से ऊपर हम कह सकते हैं कि अच्छे मोमेंट में था, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यार ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय बन रहा है हमारे लिए कि इसमें एंट्री कहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे दो लेवल निकल के आते हैं, एक तो 420 की है और दूसरी 410 की लेवल है। अगर ऊपरी लेवल के आसपास तो गया मार्केट समझो, यहाँ से ऊपर चला गया समझो, नहीं क्या तो कौन सी लेवल हो सकती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इस लेवल के आसपास आपको 460 पे आप यहाँ से निकल सकते हैं बाहर, नहीं क्या नहीं तो फंस सकते हैं। यहाँ से भी थोड़ा सा एक मूवमेंट आ सकती है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अब ये जो लेवल निकल गया 460 का, अगर लेवल निकल गया तो आप अगला टारगेट आप 500 का ही रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मंथ ऐसा आ जाएगा कि जो इसमें पूरा कवर करके आपको देने वाला है। तो आज के वीडियो में यही ठहरते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।